हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल HAC आर्ट में। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये चींटियां कितने बड़े झुंड में, कितनी बड़ी तादाद में हैं। इन चींटियों के बारे में हम कुछ आपको फैक्ट बताएंगे। ये कितनी साहसी होती हैं, इनकी कितनी प्रजातियाँ होती हैं, ये कैसे अपने कार्य को अंजाम में देती हैं। और यदि आपने कभी साइंस में पढ़ा होगा तो ज़रूर आप इनके बारे में जानते होंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं, ये चींटियाँ एक दूसरे से क्यों नहीं बिछड़ती हैं, क्यों समूह में रहती हैं, इन सब के पीछे इनका एक वैज्ञानिक कारण है जो हम आपको बताते हैं। क्या आप जानते हैं दोस्तों, इन चींटियों की लगभग 15,000 प्रजातियाँ हैं। क्या आप जानते हैं दोस्तों, इन चींटियों में कितना साहस होता है? ये अपने वजन से 50 गुना ज़्यादा वजन उठा सकती हैं। ये चींटियाँ सुन नहीं सकती हैं, लेकिन दूसरी वस्तु से आने वाली तरंगों के माध्यम से सुनती हैं। चींटियों में दो पेट होते हैं दोस्तों, एक पेट में अपने लिए भोजन रखती हैं और दूसरे पेट में दूसरी चींटियों के लिए भोजन रखती हैं। और पता है दोस्तों, इन चींटियों में खून नहीं होता है, इनके खून का कोई रंग नहीं होता, इसीलिए हम इनके खून को देख नहीं सकते हैं। और इनमें फेफड़े भी नहीं होते हैं दोस्तों, सांस लेने के लिए इनमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। उन्हीं छिद्रों के माध्यम से ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का आवागमन होता रहता है। और ये इतनी बड़ी कगार में, इतनी बड़ी कतार में क्यों रहती हैं, क्यों एक दूसरे से नहीं बिछड़ती हैं, इसके पीछे भी एक कारण है। इन चींटियों में एक रानी चींटी होती है जो एक फेरोमोस नामक द्रव्य छोड़ती रहती हैं। उसी की गंध से सभी एक दूसरे के पीछे लगी रहती हैं और बिल्कुल भी एक दूसरे से जुदा नहीं होती। और मालूम है दोस्तों, ये चींटियाँ एकता का प्रतीक मानी जाती हैं, एकता की मिसाइल मानी जाती हैं। इन चींटियों से कुछ सीखिए दोस्तों, और अपने ग्रुप से कभी भी अलग मत होइएगा। और हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और साथ ही घंटी वाला भी बटन दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। जय हिंद।